यहाँ पे एक मोती वाला थालपोस लेके आए हूँ, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी थालपोस है। अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस तरह का धागा लेंगे यानी कि ऊन लेंगे। ये ऊन जो है मेरी थ्री प्लाई है पतली वाली, ठीक है। अब यहाँ पे मोती आपको इसमें धागे में ही डाल लेना है, इस तरह से सुई की मदद से आप मोती यहाँ पे डाल लें, ठीक है। इस तरह से मोती ले ताकि मोती इसमें कुछ इस तरह से अच्छे से आर पार हो सके, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से करते हुए आपको इसमें मोतियाँ डाल लेना, जितने आपको ज़रूरत हो उतनी, जितनी बड़ी बनानी हो उतना ले ले। और उसके बाद अगर घट रही है तो बाद में आप इसमें क्या करें, बाद में फिर धागा तोड़ते हुए इसमें फिर से मोती इसमें डाल सकती हैं। और इस जगह पे जो मैं क्रोशिया नंबर यूज़ करूँगी, यहाँ पे दो तरह का क्रोशिया यूज़ करूँगी, क्योंकि एक हम यहाँ पे जो कि हमारी इस क्रोशिया में आराम से पार हो सके इस तरह का क्रोशिया लेंगे, ठीक है। ठीक है, मोती में आराम से मेरे यहाँ तक आ रही है। और दूसरा लेंगे हम यहाँ पे 3 mm क्रोशिया। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप मैजिक रिंग भी ले सकते हैं या तो फिर चेन बना के भी आप इसे बना सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे, दो उंगलियों के बीच में धागे को घुमाएंगे। अब ये जो धागा है इसे पीछे की ओर ले जाएंगे, पीछे वाला धागा इस धागे के अंदर से खींचते हुए अपनी ओर लाना है आपको। चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन चेन। तीन चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर डालते हुए हमें टोटल 23 डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो हमारी जो तीन की चेन है उसे भी हम इसमें काउंट कर लेंगे, अगर नहीं काउंट करते हैं तो 24 डबल क्रोशिया आप बना ले, ठीक है। चलिए इस तरह से करते हुए हम 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, इस चेन को भी काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 24 डबल क्रोशिया हमने बना लिया, ठीक है। हम यहाँ पे चेन को काउंट नहीं करेंगे, चेन को हम स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अब जो देखिए ये जो तीन चेन बनाई हुई थी हमने, तीन चेन को छोड़ देंगे और जो पहला डबल क्रोश है इसी में हम इस तरह से डालेंगे और इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से गोलाई बन जाएगी। अब यहाँ पे लेंगे एक दो और ये तीन चेन, तीन चेन हमारी पहली डबल क्रोश होगी, इसी चेन पे डालेंगे और एक डबल क्रोश और बना लेंगे। ये दो डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन लेंगे, सेम इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, चेन बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। चेन को ज़्यादा लूज नहीं बनाएंगे हम। अब देखिए अब यहाँ पे एक मोती लेंगे, ठीक है। तो एक मोती यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से मोती को लेंगे और मोती के उल्टी दिशा से जिधर लगा हुआ देखिए इधर से हम क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। और ये जो धागा है इसे हम खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे तो मोती बीच में चली जाएगी, ठीक है। ऐसे लिए और इस तरह से हम इसे खींच लेंगे। अब देखिए मोती बीच में आ गई। अब यहाँ से फिर से लेंगे हम और जिस तरह से बुन रहे थे उस तरह से बुनेंगे, ऐसे लिए फिर क्रोशिया नंबर चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चेन छोड़ेंगे चौथी वाली, यानी चौथे नंबर वाली डबल क्रोशिया पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, ठीक है। फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया। अगर आपको ज़्यादा लूज हो जा रही है तो आप यहाँ पे क्रोशिया नंबर चेंज कर सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 mm लिया है तो आप 2.5 mm ले सकती हैं या 2 mm भी ले सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, या फिर आप यहाँ पे चेन कम कर सकती हैं। अब यहाँ पे फिर से हम एक मोती लेंगे, अब इधर से डालेंगे इस तरह से, ठीक है। जिधर से लंबा धागा लगा हो उधर से आपको क्रोशिया इसके अंदर से डालना है, मोती के अंदर से। और ये जो छोटा सा धागा है यानी चेन, इस चेन को इस तरह से हम खींच लेंगे अपनी ओर। अब यहाँ से फिर से हम जिस तरह से बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे। चलिए इसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ से फिर से देखिए एक एक दो तीन चेन हम स्कीप करेंगे और चौथे वाली नंबर पे, ठीक है, फोर्थ नंबर चेन पे जाएंगे और इस तरह से फिर से हम बनाएंगे। पहले टू डबल क्रोशिया, फिर वन चेन और फिर से टू डबल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी यानी चेन, इस पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, अब दो डबल क्रोशिया के बीच जो हमारे पास एक चेन हमने लिया हुआ था, यहाँ से स्लिप करते हुए इसके बीच में आएंगे इस तरह से, एक बार और स्लिप करेंगे, फिर बनाएंगे एक दो और ये तीन चेन। ठीक है, तीन चेन बनाने के बाद फिर इस जगह पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब इस जगह पे हम यहाँ पे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच, पांच चेन बनाने के बाद यहाँ पे अब हम दो मोती लेंगे एक साथ, इस तरह से लेंगे दो मोती लेंगे। दो मोती को एक बार डालेंगे एक ही साथ। ठीक है, इस तरह से लेंगे ऐसे लिए, अब इधर से हम मोती को डाल लेंगे। अब इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से, तो इस पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे फिर से दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया आ गई, इसके बीच में लेंगे, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से इस जगह पे दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से लेंगे दो मोती में, इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। अगर इससे और पतली क्रोशिया है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती है इसे। ठीक है, इस तरह से लेंगे और फिर से देखिए यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे जो है दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पे, और दो दो मोती, हर मोती के यहाँ पे पांच चेन बनाने के बाद दो मोती डालेंगे इसमें। तो इसी तरह से करते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ जो हमने तीन की चेन जो सबसे शुरुआत में बनाई, इस चेन पे सबसे फर्स्ट वाली चेन पे जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बीच में आएंगे तो एक स्लिप और करेंगे, ये दो बार हो गई, और बीच में जहाँ हमने एक चेन ली यहाँ पे भी हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन, तीन चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी, फिर इस जगह पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेंगे एक चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे और दो चेन और ले लेंगे। ठीक है, ये हमारी बॉर्डर, बीच बीच में जो बॉर्डर लाइन बनती है वो है, यहाँ पर बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन लेने के बाद यहाँ से अब एक मोती डालेंगे, इस तरह से लिया हमने, एक मोती ले लेंगे। अब मोती के साइड से हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को खींचते हुए अपनी ओर लाना है ऐसे। ठीक है, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब दो मोती को इस तरह से खिसकाना है और बीच में जो चेन दिख रही है इस चेन के बीच में डालें, या फिर इसके बीच में ही इस तरह से यहाँ पे भी डाल के आप बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अब हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया करने के बाद हमें फिर से तीन चेन बनाना है, एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक मोती लेंगे, मोती लिया हमने। ठीक है, पास में ले जाएंगे थोड़ा और इधर से डालेंगे इस दिशा से, इस धागे को खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे इधर। अब यहाँ पे जो हमारी ये बॉर्डर लाइन जो दिख रही है, बॉर्डर लाइन के ऊपर फिर से हम बॉर्डर लाइन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से इस जगह पे डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया, चेन बनाएंगे तीन, एक दो और ये तीन, फिर एक मोती डालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे डाला। एक मोती डालने के बाद फिर चार डबल क्रोशिया, दो मोती के बीच में इस तरह से खिसकाना है आपको और यहाँ से डालना है चार मोती, सॉरी चार डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, फिर एक मोती डालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे अभी बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद हमने ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मोती लेंगे हम, मोती लेने के बाद
अब जो हमारे पास यहाँ पे देखिए चार डबल क्रोशिया है, चार में से अभी हमें छः डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। और बीच में जो दो डबल क्रोशिया है उसमें हमें एक एक बनाना है, लास्ट वाले में दो बनाएंगे। इस तरह से तीन डबल क्रोशिया हो गई। तीसरे वाले में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गई। अब जो लास्ट वाली है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो एक दो तीन चार पाँच और ये छः हो गए। अब यहाँ से फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन। तीन चेन लेने के बाद एक मोती डालेंगे यहाँ पे, इस तरह से लेंगे। इसलिए इसके बाद अब जी बॉर्डर लाइन है, फिर बॉर्डर लाइन को हम इस तरह से बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। और अगला राउंड किस तरह से बनेगी वो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक चेन ले लेते हैं और यहाँ फिर से हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। चलिए इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे तीन चेन लेना है और तीन चेन लेने के बाद एक मोती डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ से राउंड कंप्लीट करते हैं तो देखिए काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच और ये छठी राउंड चल रही है। तो अब यहाँ पे हम चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार। चार चेन लेने के बाद यहाँ पे हम दो मोती डालेंगे, इस तरह से लेंगे दो मोती। ऐसे लेंगे इधर से एक साथ और इस धागे को खींच लेंगे, ये जो चेन है चेन को इस तरह से खींच लेंगे। कभी कभी ऊन फंस जाती है तो सावधानी से, अगर दो नहीं निकलते आपसे तो एक ही निकाले आप इसे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। अब जी यहाँ पे हमारे पास छह चेन बनी हुई है, इसे हमें घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट से वाली डिजाइन वाली हमारी ये थालपोस बन रही है। तो यहाँ पे लेंगे हम अब जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डालेंगे डबल क्रोशिया, पूरा नहीं बनाएंगे, एक फंदा हम क्रोशिया पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसी चेन पे एक बार और डालेंगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे, एक एक फंदा हम क्रोशिया पे छोड़ते जाएंगे। तो एक ही चेन में से हमने दो बार बना लिया। अब दूसरे नंबर चेन पे जाएंगे, यहाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर वाली जो चेन है यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो चेन बन के आएगी, एक दो तीन चार और ये पाँच, सभी को एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन चेन। तीन चेन लेने के बाद ये फर्स्ट वाली चेन पर जाएंगे और यहाँ स्लिप करते हुए इसे इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन है, तो अब यहाँ पे जो इधर से एक दो और ये तीन, तीसरे नंबर चेन पे आएंगे, स्लिप करेंगे और यहाँ से चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन चेन। तीन चेन लेने के बाद इसी चेन पे एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है दूसरे नंबर वाली चेन, यहाँ पे भी आएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। अब जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आएंगे और यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसे पूरा नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास चार हो गई। सभी को एक साथ बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चार डबल क्रोशिया, जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक बार और डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास ये पांच, हमारे पास ये फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। सभी को एक साथ बंद करेंगे, चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार। चार चेन लेने के बाद हम यहाँ पे दो मोती लेंगे इस तरह से। दो मोती लेने के बाद इस मोती के अंदर से हम इस तरह से डालेंगे। अब इस धागे को खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे। इस तरह से हमने दो मोती को इसमें अंदर पिरो लिया। अब देखिए फिर से हम इसी तरह से करेंगे।
अब क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन के ऊपर फिर से हम बॉर्डर लाइन बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, दो डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे फिर से हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इससे पहले एक दो तीन और ये चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे दो मोती पिरोएंगे ये वाली, और जैसे मैंने ये वाला हार्ट शेप डिज़ाइन बनाया सेम यहाँ पे भी इसी तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, दो मोती पिरो लेंगे पहले। इसके बाद फर्स्ट में दो बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बनाना है। तीसरे में, दूसरे में एक बनाएंगे और तीसरे में एक बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे चार हो जाएगी। सभी को एक साथ बंद करेंगे, फिर तीन चेन लेने के बाद फिर इसी तीसरे चेन पे इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर अगली वाली चेन पे यहाँ जो तीसरे नंबर की, इधर से तीसरे नंबर वाली जो है यहाँ पे स्लिप करते हुए आएंगे, तीन चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर इसमें एक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो गई चेन और एक डबल क्रोशिया, दो इसमें तीन और इसमें फिर से दो, तो टोटल हो गई पाँच। सभी को एक साथ बंद करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे और दो मोती पिरोएंगे। तो इस तरह से करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, एक हमने एक डिज़ाइन तक आपको बताई थी, तो दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको क्या करना था। यहाँ पे देखिए, जब ये लाइन फिर हम शुरू करेंगे, यानी कि ये जो हमने दिल डिज़ाइन खत्म किया था, तो इससे पहले हमने यहाँ पे दो मोती लगाई थी। ठीक है, दो मोती के बाद हमने फिर से चार चेन लिया, फिर दो मोती हमने जोड़ा। इसके बाद फिर से ये जो दो हमने मोती लगाई, इसके बीच में आपको चार डबल क्रोशिया बनाना था इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम तीन चेन लेने के बाद एक मोती लगाए। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। इस तरह से करते इस राउंड को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट राउंड आया, तो हमने यहाँ पे देखिए इसे ज्वाइंट किया। ठीक है, इसके बाद तीन चेन बनाने के बाद एक मोती लगाई। इसके बाद चार डबल क्रोशिया के ऊपर छः डबल क्रोशिया बनाई, जैसे मैंने ये वाली बताई हुई थी आपको डिज़ाइन। सबसे पहले एक वाली, ये दिल डिज़ाइन जो है ये वाली, इसी तरह से हमने इसे बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मोती लगाया, फिर छः हमने डबल क्रोशिया बनाए, पहले वाले पे दो और बीच में जो दो डबल क्रोशिया उसके ऊपर एक एक और लास्ट वाले में दो, तो इस तरह से छः डबल क्रोशिया हो गई। फिर चार मोती यहाँ पे, चार चेन लेने के बाद यहाँ पे दो मोती हमने जोड़ा। ठीक है, दो मोती जोड़ने के बाद फिर से हमने छः डबल क्रोशिया बनाई, फिर तीन चेन लेने के बाद एक मोती ली और यहाँ पे इसे ज्वाइंट किया। फिर नेक्स्ट राउंड आने के बाद हमने यहाँ पे फिर से बॉर्डर लाइन को कम्प्लीट किया, चार चेन लिया, दो मोती लगाना है आपको, चार चेन में दो मोती लगाए। इसके बाद फिर से जो हमने दिल डिज़ाइन में ये वाली घटाने के लिए जो हमने बताया हुआ था, सेम यही डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से हमने एक बार किया, फिर ये दिल डिज़ाइन को एक बार घटाया, फिर हमने यहाँ पे चार चेन दी। ठीक है, दो मोती जोड़ा, फिर ये दिल डिज़ाइन को कंप्लीट किया हमने घटाने के बाद, फिर यहाँ पे हमने चार चेन लेने के बाद दो मोती को जोड़ा, इसके बाद बॉर्डर लाइन को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट राउंड में फिर से हमें ये वाली राउंड बनाना है। दो दो मोती है, तो एक दो, एक हो गई, दो हो गई या तीन, ये जो डिज़ाइन है सबसे पहले एक बन के आई, इसके बाद दो बनी। ठीक है, अब तीन बनेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तब यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनेगी, फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनेगी इस तरह से। एक बार और दिखा देती हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज कर ले रही हूँ, आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हैं, तो मैं यहाँ से ग्रीन ले रही हूँ। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन पे ज्वाइंट करेंगे इसे। एक दो और ये तीन, आप इसी तरह से आप चाहे जितना बड़ा इसे बना ले। ठीक है, यहाँ पे हो गई दो डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर इसी जगह पे डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे एक मोती लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तीन चेन कर लेते हैं, एक दो और ये तीन, तीन चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक मोती लगाएंगे, तो इस मोती को यहाँ पे लाएंगे, इधर से डालेंगे इसे और इस धागे को खींचते हुए इस मोती के अंदर से ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से अब जो ये दो मोती है, दो मोती के बीच में इस तरह से थोड़ा सा जगह बनाएंगे और यहाँ पे हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया तीसरी डबल क्रोशिया
और ये चौथी डबल क्रोस है, चार डबल क्रोस हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार। चार चेन लेने के बाद हम यहाँ पे दो मोती जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया। देखिए जो दिल डिजाइन हमने बनाया खत्म करने के बाद, देखिए जो खाली जगह आएगी दिल के बीच में, यहाँ पे दो मोती लगाना इस तरह से। यहाँ पे खाली जो जगह है यहाँ पे हम दो मोती लगाएंगे। इसलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब दो मोती के बीच में फिर से जगह बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको बस यही ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसे बिना मोती का भी बना सकती हैं, अगर आप बस मोती ना हो तो बिना मोती का भी बना सकती हैं। इसे दो डबल क्रोशिया हो गई, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। ठीक है, चार डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम यहाँ पे चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर से दो मोती लगाएंगे। इस तरह से लेंगे, इसे खींचेंगे, अब अगला जो ये दो मोती के बीच में यहाँ पे फिर से हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया और ये चौथी डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम तीन चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में बनाया था तीन चेन में एक मोती हम डाली हुई थी, तो यहाँ पे फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, यहाँ पे एक मोती डालेंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन को हम कंप्लीट करेंगे, ये बॉर्डर लाइन हो गई हमारी, तो यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और एक चेन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया। आप चाहे तो जो एकदम प्लास्टिक की जो मोती आती है उसे भी आप इसे बना सकती हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी सी चमक नहीं होती है, इस तरह से हमने इसे बना लिया। और फिर यहाँ से हम एक तीन चेन बनाएंगे, इसके बाद फिर एक मोती लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। तो इसी तरह से करते हुए आपको आगे बढ़ते हुए जाना। अब इसके नेक्स्ट राउंड में फिर हम आएंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ के बॉर्डर लाइन को कम्प्लीट करेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर एक मोती लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बनाएंगे चार के ऊपर, पहले के ऊपर दो, फिर दो के ऊपर एक एक और लास्ट वाले में दो। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें फिर से तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद एक मोती ज्वाइंट करेंगे, दो मोती के ऊपर तीन चेन लेने के बाद एक मोती लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दो मोती के बाद यहाँ पर हमने एक मोती लगाए, तो इस दो मोती के ऊपर जब अगली बार आएंगे तो यहाँ पे एक मोती लगाएंगे तीन चेन लेने के बाद। फिर से इसे कंप्लीट करेंगे, छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे, एक मोती ज्वाइंट करेंगे, छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे और एक मोती को ज्वाइंट करते हुए बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए आगे आप बढ़ाते हुए जाएं, पहले एक बनी, फिर दो बनी, फिर तीन, फिर चार, आप आठ दस जितनी भी आपको बड़ी बनानी हो उतना बड़ा आप इसे बना लें। ठीक है, तो देखिए थालपुस मैंने इतने लंबे तक बनाई है, यानी कि जो डिज़ाइन है हमने तीन ही बनाई है। आप आगे अगर बड़ा बनाना चाहती है, अगर छठ पूजा के लिए जो बनाती हैं डलिया के लिए उसे बनाना चाहती है, तो आप यहाँ पे 10 से 12 भी यहाँ पे ये जो है इसे रख सकती हैं। ठीक है, तो इसे और बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने ये साइड की जो डिज़ाइन डली हुई है, सबसे पहले देखिए दो मोती के बीच में हमने यहाँ पे इसे धागे को ज्वाइंट किया, धागे को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से हमने जो चेन ली हुई है ये हमारी 13 चेन है। ठीक है, 13 चेन लेने के बाद फिर दूसरे मोती पे हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, जो दो मोती दिख रही है, फिर यहाँ से लिया, फिर जो हमारी ये मोती है फिर इसमें आके इसे ज्वाइंट किया, 13-13 चेन लेते हुए हमने इसे बनाया। नेक्स्ट राउंड वाले हमने फिर कहीं से भी आप इसे जोड़ सकती हैं, रेड कलर के धागे को कट करने के बाद बीच में से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे, और दूसरा जो चेन है हमारी ये पास, ये हमारी 16 चेन है। ठीक है, 16 चेन करते हमने इस तरह से इसे बना लिया। और साइड में अब आपको क्या करना है, इस तरह से अगर लटकन लगाना चाहती हैं तो इस तरह से एक लटकन लगाते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन डालना चाहती हैं तो वो भी डिज़ाइन डाल सकती हैं आप इसमें। ठीक है, अगर इस तरह का लटकन लगाना चाहती हैं तो बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसे बता देते हैं कि किस तरह से बनाएंगे।
अगर इसकी जो नाप है, हम ये जो झालर मैंने बनाई ये वाली, इस झालर से लेके यानी कि साइड में जो चेन वाली डिज़ाइन है दूसरे चेन तक, तो टोटल 14 इंच बन के आई हुई है, ठीक है थालपोस। अब यहाँ पे इस तरह से लेंगे, इस लटकन को बनाने के लिए चार उंगलियों के बीच में धागे को इस तरह से घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस धागे को कट करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, छोटा सा धागा लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसे बांध देंगे, ठीक है। आपको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप इसे कर सकती हैं। दो बार गांठ लगा देंगे इसमें, एक बार लगाया और एक बार और लगा देंगे, ठीक है। इस धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे। इसके बाद नीचे से हम यहाँ पे कट करेंगे इस तरह से, नीचे भाग को बराबर कर लेंगे बाद में हम, इस तरह से इसे रखेंगे। इसके बाद छोटा सा धागा और एक कट करेंगे ताकि इसे हम बांध सकें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है तो दूसरा में फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इसे। इस तरह से रखेंगे, अब इस जगह पे लेंगे और इसे हम यहाँ पे बांध लेंगे। आप चाहे तो दोनों कलर मिलाते हुए बना भी सकती हैं इस लटकन को, जैसे मैंने दो लाइनें बनाई है चेन की, एक रेड की बनाई है और एक ग्रीन की, तो आप इस तरह से इसे भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे ग्रीन में ही बनाऊंगी, तो बीच में करते हुए इस तरह से बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इधर पलटते हुए इधर लगा लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए सारे लटकन को आपको लगाना है। अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। अपनी वीडियो को लाइक नहीं करती हैं और एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आप सबको कैसी लगती है। तो इस तरह से हमारी ये लटकन लग के रेडी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत से। तो चलिए बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।